प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 7 साल के सफलतम कार्यकाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री के जे अल्फोंस ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक लिखी है। मोदी सरकार की विकास यात्रा से जुड़े सभी क्षेत्रों में हुए सकारात्मक बदलाव की ये पुस्तक सटीक व्याख्या करती है। पेश है ओपी यादव की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सफलतम 7 सालों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक लिखी है। 25 चैप्टर के इस पुस्तक में 350 पृष्ठ हैं, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। मोदी सरकार की विकास यात्रा से जुड़ी नीतियों के विश्लेषण की ये पुस्तक सटीक व्याख्या करती है। मोदी सरकार 7 साल में क्या काम किया है, ये सारा इस किताब है। इसमें मैं 25 चैप्टर हैं। मैं इस किताब को एडिट किया है, इसका फॉरवर्ड लिखा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी लिखा है। इसमें सारा पॉलिसीज को एनालाइज किया है, सारा डेटा है क्या किया है मोदी सरकार। पुस्तक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, रेलवे, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर संबंधित मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारियों ने लेख लिखे हैं। एक चैप्टर है स्वच्छ भारत का, टॉप प्रायोरिटी है पीने का पानी सारा घर में पाइप में रीच करने के लिए। दूसरा हमारा डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का भी एक चैप्टर है। हमारा हाईवे का कितना बनाया, ये सारा हमारा 25 की सेक्टर्स में सारे लोगों के लिए क्या क्या चाहिए वो सारा एनालाइज करकर इसमें उसका प्रोग्रेस भी दिया है। इस ज्ञानवर्धक पुस्तक के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रख्यात लेखिका संजना जॉन ने कहा कि बीते 7 साल में मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण देश में आए सकारात्मक बदलाव का यह पुस्तक प्रतिबिंब है। हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरत था, क्योंकि 7 साल में जो मोदी जी के नेतृत्व में कितना बदलाव आए हैं इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। और हर एक डिपार्टमेंट में, रूरल से लेके एजुकेशन से लेके हर एक फील्ड में प्रधानमंत्री जी हर एक को सोच के हमारा देश का उन्नति लाया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहुमूल्य पुस्तक के लेखक केजे अल्फोंस को शुभकामनाएं दी है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व किरण रिजिजू सहित अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने पुस्तक के कंटेंट को ज्ञानवर्धक बताया है। ओके ब्रिज प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का प्रथम चैप्टर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने लिखा है। इसके अलावा पूर्व रक्षा सचिव मोहन कुमार, पूर्व गृह सचिव एलसी गोयल, अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव शक्ति सिन्हा, पूर्व शिक्षा सचिव वृंदा स्वरूप, पूर्व कृषि सचिव आशीष बहुगुणा, पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सचिव प्रीति सूदन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सलाहकार वी अनंत्या नागेश्वरन, प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल, हीरो मोटर कॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के निदेशक भरत लाल, पूर्व वन सचिव सी के मिश्र, पूर्व श्रम सचिव गौरी शंकर, पूर्व ग्रामीण विकास सचिव जुगल महापात्रा, सुधीर भार्गव और पूर्व संस्कृति सचिव रविंद्र सिंह सहित अन्य वर्तमान एवं पूर्व सचिवों ने भी चैप्टर लिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार के 7 साल के शानदार कार्यकाल को पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने एक्सेलरेटिंग इंडिया नामक अपनी पुस्तक में न केवल बखूबी संकलित किया है, बल्कि देश की आम जनता के लिए केंद्र प्रेरित योजनाओं को शानदार तरीके से प्रस्तुत भी किया है। निश्चित तौर पर केजे अल्फोंस की यह पुस्तक न केवल देश के लेखकों, विचारकों और शोधार्थियों के लिए काम आएगी, बल्कि देश की आम जनता को केंद्र प्रेरित योजनाओं की जानकारी साझा करने का महत्वपूर्ण काम भी करेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन शुभम के साथ मैं ओपी यादव, DD News दिल्ली।